नमस्कार, मैं अभी कंकड़बाग में मौजूद हूं और कंकड़बाग से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कबाब महल आप लोगों को दिख रही होगी और कबाब महल को बचाने के लिए मेरे सामने बिहार अग्निशमन सेवा की 3 गाड़ियां, एक इधर है और 2 इधर। ये गाड़ियां यहाँ पे क्यों आई है आपको बता दें कि पटना के कंकड़बाग स्थित आदित्य विजन के बगल में कबाब महल रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत ही तेज आग लग गया। आग कैसे लगा वो तो हम जानेंगे ही, साथ ही मैं आपको बता दूं मैं इधर आना चाहता हूं। ये देख सकते हैं 3-3 गाड़ियां दमकल की, ये आग बुझाने के लिए 3-3 गाड़ियां जो है यहां पे आ चुकी है, चार चार गाड़ियां आ चुकी है और चारों गाड़ी जो है आग बुझाने का प्रयास कर रही है। मैं बता दूं आग इधर कबाब महल के दाहिने साइड से आग लगना स्टार्ट हुआ था, हालांकि पुलिस वालों का कहना है कि वो लोग सोए हुए थे, जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो लोग आए और कबाब महल के दाहिने साइड पहले आग बुझाएं, उसके बाद बाएं साइड आग बुझाएं, उसके बाद कबाब महल के अंदर पूरा राख हो चुका है। मैं आप लोगों को कबाब महल के अंदर ले चलूंगा। वो खैर मनाए वो लोग जो लोग शाम में यहाँ पे आए थे कि जान आखिरकार बच गई है। ये देख सकते हैं अंदर जो है पूरा कबाब महल के अंदर पूरा राख हो चुका है। मैं प्रशासन के लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन जो भी बैठने उधर दिखाइए, जो भी बैठने वाली जगह है, जो भी खाने वाली जगह है, पूरा जलकर राख हो चुका है। हालांकि जो लोग शाम में आए हुए थे वो शुक्र मनाएंगे कि खैर वो जिंदा यहां से चले गए, रेस्टोरेंट ऑफ हो गए थे। उसके बाद यहां पे प्रशासन के लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा। सर क्या कुछ माजरा है, आप लोगों को कब सूचना मिली? सूचना मिलते ही हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच गए। आप आए तो स्थिति क्या था? आग जल रहा था, फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा था। आग लगना कहाँ से स्टार्ट हुआ? किचन से शुरू हुआ। किस प्रकार, शॉर्ट सर्किट हुई थी या फिर कुछ और वजह है? अभी यह कंफर्म नहीं हो रहा है, कोई ना वर्कर है ना कोई मालिक है, तो हम लोग क्या बताएं, काम करने दीजिए। हम गौरी शंकर अपार्टमेंट में रहते हैं, बगल वाले बिल्डिंग में। ये एक रेस्टोरेंट है, उसके किचन में आग लगा था और गैस सिलेंडर फटने से आग बहुत ज्यादा फैल गया और दमकल वाले मिनिमम 25-30 मिनट के बाद आए यहाँ पे। सर कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं, अगर यहाँ पे लोग खा रहे होते तो कितना बड़ा दुर्घटना का अंजाम हो सकता? बहुत बड़ा दुर्घटना। ये कहिए जो समय पर हम लोग पहुंच चुके थे, थोड़ा भी लेट होता तो आग की लपटे ये कंकड़बाग की इस एरिया को खत्म कर जाते। प्रशासन की मुस्तैदी आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पे ये लोग मुस्तैद है और लगातार काम कर रहे हैं, और इनके साथ ही आग बुझाने वाली जो गाड़ियां है वो भी यहाँ पे आकर और अपना काम बहुत ही तेजी से कर रही है। और यही शुक्र मनाइए कि यहाँ पे जो है जान माल का खतरा नहीं बताया जा रहा है। जो भी हुआ है सामान का नुकसान भले ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे आदमी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और प्रशासन का कहना ये जरूर है कि इस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, जो भी स्टाफ हैं, वो यहाँ से फरार नजर आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या नाम है सर आपका? हम तो बाहर से आ रहे थे। अच्छा, बाहर से देखने, लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे देखने के लिए आ रही है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जसीम। अच्छा, जब आप आए तो यहाँ पे क्या स्थिति देखी? मैं तो अभी आता ही और जा रहे थे, देखे थे, अभी तुरंत आ रहे। जानते हैं इस रेस्टोरेंट? नहीं 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 नहीं, इस जगह को नहीं जानते हैं। क्या पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देख रहा हूँ जला हुआ है, बस ऐसे देखा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोग, बड़ी संख्या में जो भी लोग गुजर रहे हैं, रात का भले ही समय हो चुका है, जो भी लोग अपने घर जा रहे हैं, गुजरते समय सभी लोगों की नजर पड़ जाती है। ये जो बड़ी बड़ी 3-4 गाड़ियां लगी हुई है, इस पे नजर पड़ते ही लोग रुक जाते हैं, उनके कदम थम जाते हैं और वो आखिर देखने दौड़ जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अंदर दिखा सकते हैं किस प्रकार मीडिया और प्रशासन की भीड़ लग चुकी है और लगातार सब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस रेस्टोरेंट का जो किचन है वहां से इस आग का शुरुआत हुआ और आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगल बगल वाले अपार्टमेंट में आग की लपटें पहुंच चुकी थी। हालांकि प्रशासन के मुस्तैदी के वजह से यह आग पे काबू पाया जा सका और 3-3 जो गाड़ियां है आग बुझाने में लगभग सफल रही है। तमाम प्रशासन के लोग कब तक यहाँ पे रहते हैं और आगे की क्या कार्रवाई करते हैं और इस रेस्टोरेंट में क्या कार्रवाई होता है, ये देखने की बात जरूर होगी। क्योंकि हालांकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देने का काम यहीं से शुरू होता है, इसको अब कैसे खत्म किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद एक बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि यहाँ पे प्रशासन के लोग अंदर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पे रह कर अगल बगल वाली बिल्डिंग से लाइट दे दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो यहाँ से फरार नजर आ रहे हैं, जबकि उनके कानों तक सूचना जरूर पहुंच गई होगी कि हमारे रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है, अगर यह दुर्घटना नहीं संभाला जा पाएगा तो अगल बगल वाले जो बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं उनके बीच बहुत ही बड़ा
ये कहा जा सकता है कि डर समाहित हो सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ से फरार है और प्रशासन के लोग इतने एक्टिव है, उसके बाद रह रहकर लाइट दे दी जा रही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जबकि प्रशासन के 50 से 60 पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद आखिर ये लापरवाही कर कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि प्रशासन के लोग वहाँ पे खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद देखी जा रही है कि बार बार लाइट आ रही है जा रही है, तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? अगर कोई भी इस दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सवाल किससे पूछा जाएगा, क्यों? और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आगे प्रशासन के पास इस रेस्टोरेंट के मालिक का डिटेल्स क्यों नहीं है? इतना बड़ा रेस्टोरेंट अगर इस एरिया में है तो प्रशासन के पास इसका डिटेल होना चाहिए, क्यों? जबकि इतनी बड़ी घटना हुई है तो उनसे सवाल किया जा सके, उनसे बुलाकर पूछा जा सके, क्योंकि अगल बगल वाले बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो जितने भी लोग मौन है यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे, और खैर इनको जवाब देना भी नहीं है। प्रशासन के लोग क्या करेंगे अगर अगल बगल वाले बिल्डिंग में अभी भी आग फैल जाती हो तो? शुक्र मनाए कि चार चार जो ये गाड़ियां आ रखी है आग बुझाने के लिए, ये अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन ये रह रहकर जो बत्ती कोई दे दे रहा है, कोई गुल कर दे रहा है, जब यहाँ पे काम चल रहा है तो ये बार बार लाइट क्यों दे दिया जा रहा है? आसपास के लोगों को भी समझना होगा कि अगर यहाँ पे करंट आएगा तो खतरा उन लोगों को भी होगा। आगे बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।